हे गाइस व्हाट्स अप। सो गाइस आज हम दोबारा से एक और एलिफेंट फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। सो गाइस आप सभी को इसके लिए करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड एंड पीएनजी को कुछ होंगे जो आप सभी को डाउनलोड करना है, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते। तो गाइस मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है, तो गाइस जिसको इरेज करना नहीं आता आई बटन में लिंक होगी एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाओ जाके देखो एंड गाइस बैकग्राउंड को इरेज करो। सो गाइस मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से फिट कर लेता हूँ, मतलब लगा लेता हूँ, ठीक है इस तरीके से। एंड गाइस आपकी मर्जी, आप जैसे पोज देना चाहते वैसे दे सकते हैं। वैसे मैंने विजय मेहर जी की फोटो ली है, तो गाइस मैंने ये ऐसे लगाई, ठीक है गाइस। सो गाइस मैं इसको ऊपर से कर लेता हूँ डन। एंड गाइस एक पीएनजी लेंगे स्मोक का, ठीक है गाइस, उस स्मोक का पीएनजी है। एंड गाइस उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको सिंपली जाकर डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाकर डाउनलोड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो को देखने के बाद पूरी वीडियो देखने के बाद जब जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो मैं ले लेता हूँ स्मोक का पीएनजी। सो गाइस इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है इस तरीके से मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ एंड ऊपर से टेक करके। एंड गाइस इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एंड ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है, इसके टेंस मतलब इसको ब्लेंड करके हम ब्लेंडिंग मोड कर इसका चेंज करके इसको हम गायब कर देंगे। सो गाइस ये देखिए गाइस, अब स्मोक को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ गाइस, बिकॉज ये बॉडी के ऊपर आना चाहिए, तो गाइस मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ तक हमारी फोटो हो चुकी है, तो गाइस मैं ऊपर से कर लेता हूँ डन, ठीक है। तो थोड़े से अभी हमें एक थोड़ा सा इसमें कलर एडजस्ट थोड़ा कर लेते हैं यहीं पे। सो गाइस आप सभी को करना क्या है, आपको जाना है इस वाले क्रॉप वाले टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद गाइस आपको इस वाले आइकन में जाना है। इस वाले आइकन में जाने के बाद गाइस इसको आपको इसको ध्यान से देखना है गाइस जी कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना है इसको, इस तरफ से थोड़ा सा ऊपर उठाना है एंड गाइस इधर से थोड़ा सा नीचे करना है, ठीक है। हल्का सा, बस हल्का हल्का छेड़ना गाइस एंड ऊपर से लेना डन, ठीक है। इसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, आप सभी को दोबारा टूल्स में जाना है एंड गाइस एडजस्टिंग में जाना है, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस है जो गाइस इसको कम करना है इस बारी, ठीक है, थोड़ा सा कम करना है, मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना कितना कम करना है, ठीक है। इतना 19 तक कर रखा है मैंने, ठीक है, आपको इतना करना है 12 कर लेता, ठीक है, 12 तक मैंने कम कर रखा है। सो गाइस यहाँ से हम कर लेते हैं डन। एंड गाइस अब इसमें थोड़ी सी कलर रीडिंग करेंगे, वो करेंगे हम लाइट रूम ऐप के अंदर, ठीक है। सो चलिए लाइट रूम के अंदर चलते हैं। सो गाइस लाइट रूम ऐप को मैंने ओपन कर लिया है। एंड गाइस अब क्या करना है, ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हमें फोटो को ऐड करना है, ठीक है, इस तरीके से ऐड कर लेना है। एंड गाइस ऑल फोटोज में जाके अपने फोटो को ओपन करना है, ठीक है। फोटो को ओपन करने के बाद गाइस आप सभी को जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में एंड गाइस एक्सपोजर को बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है गाइस। एंड गाइस ये कंट्रास्ट को भी गाइस थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है गाइस। एंड हाईलाइट को भी थोड़ा सा इनके माइनस करेंगे एंड गाइस शेडो को माइनस करेंगे, ठीक है गाइस। एंड वाइट को प्लस में एंड गाइस ब्लैक को भी माइनस करेंगे, ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ ब्लैक को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर लिया, तो गाइस इनको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। एंड गाइस जाना है थर्मामीटर वाला आइकन पे एंड मिक्स पे जाना है। एंड गाइस रेड कलर को देखते हैं, रेड कुछ है नहीं हमारे इसमें, तो गाइस हम इसे छोड़ देते हैं। एंड गाइस ऑरेंज वाले टूल में जाते हैं एंड गाइस इसकी सेचुरेशन को प्लस कर लेते हैं एंड गाइस ल्यूमिनस को माइनस, ठीक है गाइस इस तरीके से। एंड गाइस ब्लू वाले आइकन में जाना है एंड गाइस इसके ह्यू को हम देखते हैं प्लस में करके इतना। एंड गाइस इसकी सेचुरेशन बिल्कुल कम करना है एंड गाइस ब्लू की सेचुरेशन को भी कम करना है, ठीक है। एंड इसकी भी सेचुरेशन कम करना है एंड गाइस पिंक वाले की भी सेचुरेशन को कम करना है, ठीक है। सो ऊपर से कर लेते हैं डन। एंड गाइस सेचुरेशन को इसके हमें बढ़ाना है, ठीक है। एंड वाइब्रेशन को कम करना है, ठीक है। एंड टेम्परेचर को भी बढ़ा देना है थोड़ा सा, ठीक है। एंड टिंट को भी गाइस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, सॉरी गाइस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एंड गाइस नीचे वाले आइकन पे जाना है एंड गाइस क्लियरिटी को इंक्रीज करना है एंड विग्नेट को बढ़ाना है, ठीक है इस तरीके से। एंड गाइस फेदर को भी प्लस में कर लेते हैं, ठीक है। एंड चलते हैं हम नीचे वाला आइकन पे एंड गाइस फोटो को थोड़ी सी शार्प करेंगे गाइस, ठीक है इस तरीके से। एंड नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ाएंगे इस बार हम, ठीक है। एंड गाइस कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है इस तरीके से, ठीक है। एंड देखिए गाइस मैं आपको आफ्टर एंड बिफोर दिखाता हूँ, ये आफ्टर एंड बिफोर गाइस देखिए हमने कितनी अच्छी फोटो एडिट करी है। तो गाइस फोटो हमारी एडिट हो चुकी है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।